हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड, मेरे प्लांट गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो मॉइस्चर रखा है, तो ये मैंने इस तरफ उठा के रखा हुआ है। अभी मैं इसके लिए छाया करूँगी बाहर। तो फ्रेंड, इसको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, तो इसलिए मैं इन पौधों को मैं थोड़ा सा ऐसी जगह रखूँगी जिन पे डायरेक्ट धूप ना पड़े, और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड, इस धूप में हम नहीं निकल पाते हैं, तो ये तो बेचारे पौधे हैं, तो कैसे रह पाएंगे ये बाहर। तो फ्रेंड, इनको बचाना थोड़ा, या तो आपके पास नेट वगैरह हो या ऐसी जगह पे रखें, इनकी पत्तियाँ बहुत जल्दी झुलस जाती हैं। ये फ्रेंड शिंगुनियम का है, ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है धूप से, इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। ये फ्रेंड मैंने एक तरफ दीवार की तरफ रखे हुए हैं, जो ऊपर से मेरे मधुमालती की बेल की छाया, और कई बारी मैं इधर चद्दर लगा देती हूँ टाइम में 1 बजे तक के लिए, इसलिए इनकी पत्तियों का कलर इतना अच्छा बना हुआ है। ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है धूप से, तो फ्रेंड आप इसको भी बचा के रखें। जैसे भी बनता है, हमें पौधों को बचाना चाहिए धूप से। ये नहीं सोचना चाहिए किसी बहुत महंगे नेट से हम इसको कवर करेंगे तब जाके बचाएं। मैंने तो चद्दर टांगी हुई है इस तरफ, अब वीडियो बनाते टाइम मैंने हटा दी है। तो फ्रेंड इसी तरह से इसको शिंगुनियों को भी बचाएं। ये फ्रेंड कोलियस को भी फ्रेंड देखो, ये धूप की वजह से ख़राब हो रहा है, इसके कलर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उनको बचाने का। इसकी भी पत्तियों की चमक बिल्कुल बेकार, तो इसको भी हम बचा के रखें। तेज़ धूप से इसकी भी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं। ये फ्रेंड मैंने वैसे तो छाया की जगह पे रखे हुए हैं, कुछ टाइम इधर छाया रहती है। मेरे पास ये 3 कलर के कोलियस हैं, ये डेफेनवेचिया, ये भी फ्रेंड मधुमालती के नीचे है, गर्मी से इसको भी मैंने बचा रखा तेज़ धूप से। तो आप इसको बचा के रखें, नहीं तो इसकी पत्तियों का कलर बहुत बेकार हो जाए और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे भी है आप इसको बचाएं तेज़ धूप से। आप अगर नेट लगाना चाहते हैं तो नेट से भी बचा सकते हैं, और वैसे किसी चीज़ से इसकी छाया कर सकते हैं, तो आप छाया भी करके रख सकते हैं। सुबह की 9-10 बजे तक की तो धूप इन पौधों के लिए ठीक रहती है, उसके बाद तो बिल्कुल पौधों को जला रही है। मेरे टेरिस पे कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल सूख चुकी हैं, ये मैंने इस तरह से बचा रखे हैं, और मैंने बिछा बिछा के रख रखे हैं। तो फ्रेंड जितना हो सके मई जून की गर्मी में इन पौधों को ज़रूर बचाएं। ये भी फ्रेंड, इसकी भी पत्तियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, ये ड्रेसिना का प्लांट है। ये फ्रेंड मैंने छाया में रख रखा है, तो इसलिए इसके पत्तियों का कलर चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़े से दिनों के बाद सही सा हो जाएगा, पहले इसमें वाइट कलर की लाइनें थी। तो फ्रेंड ये भी बहुत जल्दी ख़राब होता है तेज़ धूप से, तो इसको भी आप मई जून की गर्मी से बचाएं। और अगर हमारे पास नेट वगैरह नहीं है, जो हमारे घर पौधे हैं उनको हम थोड़ा सा बिच्चा करके रख सकते हैं एक दूसरे से लगा के। ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है मेरे पास। ये भी फ्रेंड देखो ख़राब हो जाती है, और कुछ इसकी देखो पत्तियाँ भी जल गई हैं। ये भी मैंने इसी के नीचे रख रखा है, इसको भी तेज़ धूप से बचाएं। इनका भी पत्तियों का कलर बिल्कुल बेकार हो जाता है और झुलस जाती है इनकी पत्तियाँ, आप देख रहे होंगे। ये थोड़ा सा धूप की तरफ निकला हुआ था क्योंकि यहाँ नेट वगैरह तो मेरे पास नहीं है, तो कोशिश करूँगी कुछ जुगाड़ करने का टेरिस पे। इसको भी मैंने इस तरह से बचा के रखा हुआ है। फ्रेंड इसका मुझे नाम याद नहीं है, ये भी पत्तियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है तेज़ धूप से, तो आप इसको भी बचा के रख सकते हैं तेज़ धूप से,
क्योंकि मई जून की जो गर्मी होती है बहुत तेज़ वाली गर्मी है, सारे पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं इसमें। ये इसलिए मैंने बिल्कुल अंदर की तरफ रख रखा है इसको। तो आप इसको भी बचाएं। ये वेंडरिंग जू फ्रेंड, इसका भी धूप में कलर बहुत बेकार सा हो जाता है। देखो ये मैंने छाया में रखी हुई है, तो इसका कलर कितना अच्छा है पत्तियों का। तो आप इसको भी बचा सकते हैं मई जून की गर्मी में तेज़ धूप से। अगर हमारे पास बचाने का कुछ नहीं है तो हम जो छोटे पॉट में ऐसी चीज़ें लगी होती हैं तो उसको बड़े पौधे के नीचे रख दें, तो उससे भी इनको बहुत सहारा मिल जाता है पौधे को कि धूप से बच जाएंगे। ये भी ड्रेसिना फ्रेंड, ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तेज़ धूप से, पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। ये भी मैंने इसी के नीचे रख रखा है। अभी मैं इसको हटा के रखूँगी क्योंकि हमने टेरिस छत इस पे बालकोनी में थोड़ा सा कुछ काम करवाया था, तो उसकी वजह से ये पौधे मेरे इधर उधर रखे हैं। मैं ठीक से करके रखूँगी इन्हें। ये ड्रेसिना, इसका भी पत्तियों का कलर बहुत ख़राब हो जाता है तेज़ धूप में, इसको भी बचा के रखें। ये डेविल बैकबोन, ये भी इसको भी आप बचा सकते हैं तेज़ धूप से। कहते तो ये हैं कि ये तेज़ धूप को झेल लेता है, पर फ्रेंड ऐसा नहीं है, इनकी पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मेरा टेरिस पे रखा है, आप उसको देखना डेविल बैकबोन को, और इसे देखना ये कितना अच्छा है। ये मनी प्लांट फ्रेंड, मनी प्लांट की भी पत्तियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं तेज़ धूप में, तो आप इसको भी बचा सकते हैं किसी छायादार जगह में रखें। ये मैंने इस पे हैंग करे हुए हैं और ये बहुत अच्छा चल रहा है, देखो कितना बड़ा है ये। तो फ्रेंड इन पौधों को आप इस तरह से बचा के रखें। ये बहुत देखो कितना अच्छा है, और ये हैंग करा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चाइनीज़ वॉलेट, इसकी भी पत्तियाँ बहुत सुंदर हैं, इसको भी तेज़ धूप से बचा के रखें। ये पर्पल हार्ट, ये भी फ्रेंड तेज़ धूप में ख़राब हो जाता है। और देखो ये मैंने छाया वाली जगह में रखा हुआ है, तो इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा है। और जो मेरे टेरिस पे रखे हुए हैं आप उसको देखा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।